हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। यू नो दैट वी आर रीडिंग चैप्टर 9 डिवीजन एंड टुडे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। लेट्स ट्राई टू क्वेश्चन नंबर थ्री करा डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के माध्यम से हम डिवाइड करेंगे। 21 पेंसिल्स अमंग थ्री गर्ल्स, 21 पेंसिल्स है और थ्री गर्ल्स में हमको डिवाइड करना है, बांटना है, कितने कितने पेंसिल्स आएंगे उसके पास। ठीक है, एक गर्ल्स के पास कितने पेंसिल्स आएंगे ये हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टेप वन देखते हैं। स्टेप वन, 21 माइनस थ्री कितना होगा? ये बॉक्स में दिया है, हम बॉक्स नहीं बना रहे हैं। ठीक है, 21 माइनस थ्री कितना होगा? 18 होगा। अब 18 माइनस, देखिए 21 पेंसिल था, यहां समझने वाली बात यह है 21 पेंसिल था, हमने थ्री गर्ल्स को दे दिया एक एक पेंसिल थ्री गर्ल्स को दे दिए, तो मेरे पास एक 18 पेंसिल बच गया, 18 पेंसिल बच गया। अब हम फिर 18 पेंसिल थ्री गर्ल्स को देंगे, वन पेंसिल। ओके, थ्री गर्ल्स को फिर दे रहा है, देखिए थ्री गर्ल्स को दे रहा है, तो कितना पेंसिल बच जाएगा? 15 पेंसिल हमारे पास रिमेन रह जाएगा। अब 15 पेंसिल बच गया तो फिर हम थ्री गर्ल्स को एक एक पेंसिल देंगे। ठीक है, तो एक एक पेंसिल देंगे। स्टेप थ्री ठीक है, ये स्टेप थ्री है। ओके बेटा, स्टेप टू स्टेप थ्री। ओके, 15 पेंसिल है और रिमेन आ गया, थ्री गर्ल्स फिर देंगे, कितना होगा? 12 पेंसिल। अब स्टेप फोर में देखते हैं, ये 12 पेंसिल है और थ्री गर्ल्स को फिर देंगे, 12 पेंसिल में से एक एक पेंसिल देंगे, कितना हो जाएगा? 9। स्टेप फाइव में क्या करेंगे, ये 9 पेंसिल है और फिर एक एक पेंसिल देंगे हम तीनों गर्ल्स को, तो कितना बच जाएगा मेरे पास पेंसिल, बताइए? 6 बच जाएगा। स्टेप सिक्स पर आ जाएगा, कितना है? 6 माइनस, अब फिर 6 में से एक एक पेंसिल थ्री गर्ल्स को देंगे, कितना आ जाएगा? 3। अब बच गया मेरे पास 3 पेंसिल्स। स्टेप सेवन हमारे पास 3 है, 3 पेंसिल्स बचे हैं, माइनस 3 कर देंगे, तीनों को दे देंगे एक एक पेंसिल, फिर कितना आ जाएगा? 0 आ गया, अब एक भी पेंसिल नहीं बचा। तो कितने बार हम दिए हैं बेटा, हम पेंसिल को कितने बार दिए हैं बच्चियों को एक एक पेंसिल? 7 टाइम्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है एक एक पेंसिल करके। पहले 3 दिया, फिर 3 दिया, फिर 3 दिया, फिर 3, फिर 3, इस प्रकार से हमने 7 टाइम्स हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, तब जाकर हमारे पास पेंसिल वो खत्म हुई, 21 पेंसिल खत्म हुई। तो क्या आप समझे? नंबर ऑफ स्टेप टू गेट 0 इंच, यहां क्वेश्चन दिया है, नंबर ऑफ स्टेप टू गेट 0 इंच। हम जब 0 पर आए हैं तो कौन सा स्टेप था मेरा, जब 0 हमारा आंसर यहां आया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में, तो हमारा स्टेप कौन सा था बेटा? 7। तो ये यहां क्या आ जाएगा? 7। ईच गर्ल विल गेट, अब 7 टाइम्स दिए तो कितना पेंसिल दिए हम, एक गर्ल को कितने पेंसिल दिए? ईच गर्ल्स
will get कितने पाएंगे एक गर्ल्स कितने सेवन क्योंकि हम सेवन बार दिए हैं ना सेवन बार दिए हैं तो सेवन पेंसिल एक गर्ल्स के पास होगा कि नहीं होगा ये सेवन टाइम्स हमने रिपीट किया है तो सेवन गर्ल थ्री गर्ल्स हैं सेवन पेंसिल एक गर्ल्स के पास होगा बेटा ओके होगा ना तो इस प्रकार से आप इसको क्वेश्चन कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर टू जो है ये थ्री क्वेश्चन नंबर था टू भी इसी प्रकार से है उसको सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है टू में देख लीजिए कितना है डिवाइड 20 बैलून्स अमंग 5 चिल्ड्रेन 20 बैलून्स अमंग 5 चिल्ड्रेन 5 चिल्ड्रेन है और 20 बैलून्स है देख लीजिए क्वेश्चन नंबर टू को भी देख कर देते हैं इरेज कर देना इसको ओके डिवाइड 20 बैलून्स अमंग 5 चिल्ड्रेन अमंग 5 चिल्ड्रेन तो क्या करेंगे बेटा स्टेप फर्स्ट लिखेंगे स्टेप वन 20 माइनस 5 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा मतलब एक बार हमने 20 बैलून्स का एक एक बैलून्स पांचों बच्चों को दे दिया मैंने ध्यान दीजिएगा एक एक बैलून्स पांचों बच्चों को दे दिया तो हमारे पास फिर बैलून बच गए कितने 15 कितने बच गए 15 अब 15 बच गए तो फिर हम देंगे स्टेप टू करेंगे स्टेप टू फिर हम देंगे 15 बैलून्स बचा हुआ है 15 बैलून्स तो फिर एक एक बैलून्स हम फिर पांचों को देंगे पांचों के एक बैलून्स दे दीजिए फिर कितने बच गए हमारे पास 10 अब स्टेप थर्ड में चलेंगे तो ये 10 बैलून्स बचा हुआ है फिर एक एक बैलून्स हम लोग पांचों बच्चों को देंगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा 5 बैलून्स बच गए मेरे पास कितने बैलून्स बच गए 5 बैलून्स अब नेक्स्ट स्टेप चलेंगे 4 तो 5 बैलून्स बच गया फिर एक एक बांट देते हैं चलिए एक एक बांट देते हैं पांचों में तो जीरो आ गया जब जीरो आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि एक भी नहीं है मेरे पास बैलून कितने स्टेप आए हम लोग 4 स्टेप आए तो नंबर ऑफ स्टेप टू गेट जीरो वही क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टेप टू गेट जीरो जीरो लाने में कितने स्टेप हमको चलना पड़ा जीरो लाने में कितने स्टेप इज 4 है ओके बेटा ईच चाइल्ड विल गेट मैंने प्रत्येक लड़का ईच मीन्स प्रत्येक हर एक लड़का ईच चाइल्ड विल गेट ईच चाइल्ड विल गेट एक लड़के को कितना बैलेंस मिला बेटा 4 बैलेंस ना क्योंकि 4 स्टेप चले हैं 1 से लेकर 4 स्टेप चले हैं तो 4 बैलेंस मिलेगा ओके ओके बेटा तो इस क्वेश्चन को करिएगा आप लोग नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिवीजन फैक्ट पढ़ेंगे थैंक यू हैव अ नाइस डे